क्या हालचाल है दोस्तों। और आज हम आ चुके हैं दिल्ली में कुली खान के मकबरे के पास। अब ये कुली खान कौन था? कुली खान था दोस्तों जो अकबर थी दाई महामंगा उनका बेटा था कुली खान। तो आज मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा और बताऊंगा कि इसको कब बनवाया था, क्यों बनवाया था और आज के टाइम में इसकी क्या महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फेवरेट। तो ये है दोस्तों कुली खान का मकबरे का एंट्री गेट। मतलब ये कुली खान का मकबरा है नहीं, असल में ये कुली खान का जो मकबरा है उसके बाहर का एंट्रेंस गेट है। आप जो जाओगे इसके अंदर से आपको जाना पड़ेगा और आप देखोगे ऐसे ही सीढ़ियाँ बना रखी हैं। मतलब ऐसी ही सीढ़ियाँ इन्होंने काफ़ी सारी सीढ़ियाँ बना रखी हैं। दूर से आप देखो दिख रहा होगा कि कुली खान का मकबरे का सीधा रास्ता जा रहा है और कुली खान का जो मकबरा है वो मतलब काफ़ी ऊँचाई के ऊपर बना हुआ है। हम इसके अंदर जाएंगे और आपको हिस्ट्री भी बताते चलेंगे। हम इसके अंदर आ तो चुके हैं और लेकिन गार्ड ने दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। मतलब व्लॉग आप बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अभी काम चल रहा है। अभी जो है मतलब यहाँ पे साफ सफाई का काम चल रहा है और आगे भी इसका काम चलेगा। यहाँ पे शायद आने वाले टाइम में टिकट लगना स्टार्ट हो जाए। और एक सीढ़ी ये जा रही है, ये सीढ़ी जाएगी और हम लोग चलेंगे ऊँचाई पर। काफ़ी बना पड़ा है यहाँ पर और ये फाइनल सीढ़ी बचती है। ये सीढ़ी और चढ़ने के बाद हम पहुंच जाएंगे कुली खान के मकबरे के ठीक अंदर। और आपको बताते हैं इसकी हिस्ट्री, मतलब कब बना था ये। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। सन 1429 में इसको बनाया गया था और 1803 में जब अंग्रेज़ों ने इसको कब्ज़ा कर लिया था तब इसको बना दिया था दोस्तों पिकनिक स्पॉट। और मैं इसके अंदर की कलाकारी बताता हूँ। ये जो आप देख रहे होंगे बाहर की तरफ, ये फारसी भाषा में, मतलब फारसी भाषा लिखी हुई है और कुरान की देखोगे आप, कुरान की आयतें लिखी हुई इसके ये जो बाउंड्री है। और इसको बनवाया गया था अष्टकोणी में ताकि ये मकबरा जो लगे अलग ही लगे, मुग़लों के इतिहास से अलग ही पहचान लगे। अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं सीढ़ियों से और मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप देखोगे ये कुरान की आयतें लिखी हुई दीवार के ऊपर। वक्त के साथ साथ थोड़ी मतलब नुकसान काफ़ी होते जा रहे हैं। अब ये आप देखोगे ये सारी इन्होंने कुरान की आयतें लिखवा रखी हैं। उस टाइम में काफ़ी टाइम बीत चुका है और आप ये देखोगे ये लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, है ना। ये इसके अंदर चलते हैं। अब अंधेरा काफ़ी हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये इसके अंदर का व्यू है और ये ब्लू कलर से जो है मतलब ब्लू कलर से लिखवा रखा है। उस टाइम में आप जानोगे कि मतलब केमिकल के कलर वगैरह नहीं हुआ करते थे, मतलब सब्ज़ी के फलों के इनसे कलर यूज़ किया जाते थे। और ये ब्लू कलर जो है सब्जियों के ही कलर से यूज़ किया रखा है। मतलब डिज़ाइनिंग जो इन्होंने बना रखी है ये सब्ज़ी के कलर से बना रखी है इन्होंने। कितनी सुंदर लग रही है इतने साल के बाद भी। थोड़ी थोड़ी नुकसान तो हुआ है यहाँ की दीवारों को लेकिन आज भी अच्छी लग रही है। आप देख रहे होंगे सारी डिज़ाइनिंग है। और यहाँ से ठीक निकलने के बाद आपको लेफ़्ट हैंड पर अगर आप मुड़ते हो तो आपको दिखाई देगी कुतुब मीनार का एरिया। क्योंकि ये सारा जो एरिया है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। पास में यहाँ से आपको कुतुब मीनार जो है ये नज़र आ जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ ये इस साइड से, ये आप देखोगे जूम भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारा जंगल का एरिया है कुली खान के मकबरे के ठीक पास में। ये देखो जूम करके, मतलब ऐसा लग रहा है पास में ही है लेकिन अब भी कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी तो दूर है यहाँ से कुतुब मीनार, लिए जूम करके आप देख पा रहे होंगे। ये इसके आसपास का एरिया है, सारा खंडर एरिया है। ये इन्होंने बेसमेंट भी कुछ ना कुछ भी इन्होंने बना रखा है। कोशिश करता हूँ इसके अंदर जाने की, बस ज़्यादा कुछ कीड़े मकोड़े मतलब कुछ मतलब सांप वगैरह नहीं हो। और इस साइड से अगर आप देखोगे तो ये इन्होंने अरबी में लिखा रखा है, ये भी शायद कुरान की आयतें ही है इस साइड। ये जो है मकबरे का दूसरी साइड है, मतलब कि बैक साइड आप इसे कह सकते हो, ये बैक साइड है। और इसका जो डिज़ाइन है वो हुमायूं के मकबरे की तरह लग रहा है, मतलब मिलता जुलता उससे लग रहा है। अगर आप लोग हुमायूं के मकबरे गए हो तो आपको आसानी होगी समझने में। उसका भी जो स्ट्रक्चर है कुछ ना कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर है, वो भी अष्टकोणी में बना हुआ है और नीचे जो है ये सारे मेहराब बने हुए हैं। ये यहाँ पे जो एक बात और है कि गार्ड जो है मतलब वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं। रीज़न ये है कि लोग आते हैं उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं, मतलब गलत गलत जानकारी जो है फैला देते हैं कि भूत है चुड़ैल है। और भाई सीरियसली बताऊँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, आराम से आओ घूमो फिरो, है ना।
तो घूमने फिरने के लिए जगह बहुत बढ़िया है, ग्रीनरी है, जंगल भी है, और आपको दूसरी चीज़ इतिहास की याद भी दिलाएगी आपको। कुली खां के मकबरे की बात करें तो दोस्तों ये कुली खां कौन थे, ये कुली खां जो थे दोस्तों अकबर जो थे उनकी जो दाई थी महामंगा, उनके बेटे थे, दो बेटे थे, एक आदम खान और एक था कुली खान। आदम खान को तो अकबर ने मरवा दिया था, मतलब उसने कुछ ऐसा जुर्म किया था जिसके बाद अकबर ने आदम खान को मरवा दिया था। आदम खान का जो वो मकबरा है वो भी इसी कॉम्प्लेक्स के आसपास ही है, मतलब मेरोली में ये वो भी पड़ता है। और भाई अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो पानी ज़रूर ज़रूर लेके आना, क्योंकि आसपास कहीं पर पानी नहीं मिलेगा। यहाँ से निकलोगे 3 किलोमीटर चलने के बाद तभी आपको पानी मिलेगा, वरना आसपास कहीं पानी नहीं मिलेगा। ये मैं बताऊंगा यहाँ का मतलब गलत बात है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी देनी चाहिए, फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं, तो ये मैं कहूँगा गलत बात है, पानी वगैरह तो होना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑल करिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।